स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आप ही के चैनल ड्रीम फैंसी में। बात करेंगे दोस्तों कल फर्स्ट वुमेंस बिग बैश मैच की, जो कि है सिडनी थंडर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच। आपको पहले मैं ड्रीम टीम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ जो हमने दोस्तों एक टीम बनाई है, ये स्मॉल लीग्स के लिए है या मैं ग्रैंड लीग्स के लिए बिल्कुल आपको कहूँगा आप अवॉइड कर सकते हो। मे भी आपको मैं थोड़े सजेशंस दे दूँगा साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर की। तो यहाँ दोस्तों हमने रैचल प्रेश को लिया है जो कि ओपनिंग करती हैं, और वहीं जॉर्जिया दोस्तों नंबर 4 पर आती है। तो ऑब्वियस चॉइस है रैचल प्रेश स्मॉल लीग्स के लिए, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। बैट्समैन की बात की जाए तो दोस्तों हमने यहाँ एलेक्स ब्लैकवेल को पिक किया है, जो कि नंबर 3 पर आती है बैटिंग करने के लिए। अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। वहीं दोस्तों हमारे पास होबार्ट हरिकेन्स से कोई ज़्यादा बैट्समैन बचता नहीं है। आपको बता दूं लॉरेन विनफील्ड की आप परफॉर्मेंस देख सकते हो थ्रू आउट द सीज़न, बहुत अच्छी नहीं है। विद्य कृष्णमूर्ति भी इतनी अच्छी नहीं है। कॉर्नी हॉल की भी बैटिंग की जाए तो दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, और बाकी भी आप देख सकते हो दोस्तों कि कोई भी प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। बट आपको मैं साथ ही साथ बता दूं वेदा कृष्णमूर्ति नीचे आती हैं, इनको ज़रूर बैटिंग मिलती हैं तो ये अच्छा खेल लेती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनको बॉलिंग भी आती हैं। तो आपके लिए फिर भी कहीं ना कहीं ये बाकी प्लेयर से ज़्यादा आपको पॉइंट्स ला के दे सकती हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हम यहाँ दोस्तों वेदा कृष्णमूर्ति को पिक कर रहे हैं। मे बी आप दोस्तों यहाँ कॉर्नी हॉल के साथ जा सकते हो वेदा कृष्णमूर्ति को अगर आप नहीं पिक कर रहे हो। बट आपको बता दूँ लॉरेन विनफील्ड आपके लिए स्मॉल लीग्स में बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। इनकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय, तो आप इनको बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरे पे दोस्तों हमने यहाँ रैचल हाइनिस को रखा है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और ओपनिंग करती है टीम के लिए। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं दोस्तों अगर आप एलेक्स ब्लैकमेल को नहीं पिक करना चाहो तो आप यहाँ नायोमी स्टेलिंगबर्ग को पिक कर सकते हो। ये भी एक दोस्तों बहुत अच्छी बैटिंग कर सकती हैं नंबर 5 पर आकर। बट हम यहाँ इसी टीम के साथ जा रहे हैं। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो दोस्तों हमने यहाँ स्टीफानी टेलर को पिक किया है, जो कि बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, नंबर 4 पर बैटिंग करती है और साथ ही साथ बहुत अच्छा बॉलिंग भी करना जानती हैं। दूसरे पे दोस्तों हमने यहाँ हाइली मैथ्यूज़ को पिक किया है, जो कि ओपनिंग करती हैं, सेम वेस्ट इंडीज़ की बहुत अच्छी प्लेयर हैं ये भी। और तीसरे पे दोस्तों निकोल कैरी, इनको भी हमने दोस्तों रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको बता दूँ कि आप हरमनप्रीत कौर को भी रख सकते हो अगर आप निकोल कैरी के साथ नहीं जाना चाहते। वहीं स्टीफानी टेलर और हाइली मैथ्यूज़, ये दोनों बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए ऑलराउंडर में। बात करें दोस्तों बॉलर्स की, तो यहाँ हमने 4 बॉलर्स पिक कर रखे हैं। सबसे पहले बेलिंडा वेकरवेरा को, दूसरे पे दोस्तों रैनी फेरल, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है सिडनी थंडर्स की तरफ से। विरनो का पाइक, आपको बता दूं पाइक भी दोस्तों बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको भी ड्रॉप मत करना, ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर देती हैं। और लास्ट ऑप्शन जो हमने रखा है दोस्तों वो है कैटलिन फ्रिकेट। हमारे पास बिल्कुल क्रेडिट्स नहीं है तो हमें यहाँ फ्रिकेट के साथ जाना पड़ रहा है। आप इवन हैबन ले सकते हो, जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट आप देख पा रहे हो हम बिल्कुल क्रेडिट्स नहीं हैं, तो आप एक छोटा सा चेंज कर सकते हो। अगर आप हैबन के साथ जाना चाहो आप कैटलिन और बेलिंडा को यहाँ ड्रॉप करके हैबन को पिक कर सकते हो, और अब आपके पास 7.5 क्रेडिट्स रह जाते हैं, तो अब आपको रैचल के साथ जाना पड़ेगा जो कि कल का मैच नहीं खेलने वाली। तो हम दोस्तों लास्ट टीम के साथ ही जाएंगे, जो कि बेलिंडा और फ्रिकेट के साथ हैं। इनके से अगर आप चाहो हैबन के साथ, तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप कौन से प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम दोस्तों यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस लेंगे जो कि कल का मैच खेलें और विकेट्स पिक करें, हम ज़्यादा डेंजर नहीं लेंगे यहाँ पे। अब बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो हमने यहाँ राइचल हाइनिस को कैप्टन दिया है, जो कि ऑब्वियस है आपको स्मॉल लीग्स में यही प्लेयर कैप्टन मिलेगा। वाइस कैप्टन में दोस्तों कल के लिए 2 बड़े ऑप्शन हैं, एक है स्टीफानी टेलर और एक है हाइली मैथ्यूज़। हम यहाँ दोस्तों हाइली मैथ्यूज़ के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है और बॉलिंग में भी 4 ओवर्स डालती हैं। वहीं दोस्तों स्टीफानी टेलर ने लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो कई लोग इनको कल ज़रूर वाइस कैप्टन दे सकते हैं अपनी टीम में। बट हम दोस्तों यहाँ हाइली मैथ्यूज़ के साथ जा रहे हैं। इनकेस हम भी कुछ अपडेट करें इस टीम में या कुछ चेंज करेंगे, तो वो दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट ज़रूर दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब एक बार मैं आपको फिर से इस टीम का प्रीव्यू शो कर देता हूँ दोस्तों, आप ये देख सकते हो। ये हमारी तरफ से स्मॉल लीग के लिए सजेशंस हैं। अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग्स में पार्ट ले रहे हो तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रैचल प्रेश को कैप्टन दो, जो कि ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं इनके को कैप्टन देते हुए। और वाइस कैप्टन में दोस्तों आप स्टीफानी टेलर के साथ वाइस कैप्टन में जाओ ग्रैंड लीग्स के लिए, या फिर दोस्तों आप पाइक को भी दे सकते हो वाइस कैप्टन, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी मैं कुछ चेंज करूँगा नहीं दोस्तों इस टीम में। अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों और हमारी टीम्स पसंद आ रही हों, तो ज़रूर लाइक दें हमारी वीडियोज़ को, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों बाद से नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।